दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज आठवां दिन है। पहलवान WFI के चीफ ब्रजभूषण सरल सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज यूपी के गोंडा में यौन शोषण के आरोपों पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरल सिंह जवाब दे सकते हैं। इससे पहले कल ब्रजभूषण ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि देश जंतर मंतर से नहीं सुप्रीम कोर्ट से चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है, मैं इस तरह से इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। इस्तीफा देने का मतलब आरोपों को स्वीकार करना है। दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवानों के धरने का आज आठवां दिन है। अपने ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। इससे पहले जनवरी में रेसलर्स अपने चीफ के खिलाफ लामबद्ध हुए थे। महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। लेकिन इस बार के धरने में सियासत है, आंसू है, जंतर मंतर पर धरने के साथ प्रैक्टिस हो रही है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन भी हुआ है। खिलाड़ियों की मांगे मानी गई है, लेकिन अब वो तब तक धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह पद न छोड़ दें और यौन शोषण के मामले में उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। महाराज जी ने अभी जो कहा है कि देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो आज कुश्ती संघ के मुखिया ब्रजभूषण सिंह गोंडा में अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दे सकते हैं। ब्रजभूषण सिंह मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन आज वो क्या कह सकते हैं उसका संकेत वो शनिवार को दे चुके हैं। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा। यूपी के गोंडा से आज ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर जवाब देने वाले हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रेसलर्स के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण सिंह पर 2 FIR दर्ज की गई। पहली FIR नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। वहीं दूसरी FIR 6 अन्य महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। लेकिन धरने पर बैठे खिलाड़ी सिर्फ FIR से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें उस दिल्ली पुलिस पर यकीन नहीं है जिसने FIR दर्ज करने में ही एक हफ्ते का समय लिया और FIR तब दर्ज की जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। अब खिलाड़ी तब तक जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखेंगे जब तक कि ब्रजभूषण को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया न जाए और उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे हो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया। इस चीज से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल तुमसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिए, उसने पुलिस के सामने कंप्लेन दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेन किसने दी? एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।